हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातों के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए, और हमेशा मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिए। बहुत अच्छी फिल्म है। इसमें इसके जो निर्माता हैं प्रदीप शर्मा जी, उन्होंने भोजपुरी फिल्में बनाई हैं। बहुत सेंसिबल इंसान है, बड़ी अच्छी सोच लेकर के फिल्म बनाते हैं। और रुइया साहब जो हैं वो बड़े सुलझे हुए निर्देशक हैं। ट्रेलर देख करके लगता है कि बहुत अच्छी नपी तुली सदी फिल्म है। और मेरी तरफ से बस दुआएँ हैं हमारे हीरो को, हीरोइन को, हमारे निर्माता को, निर्देशक को, और बहुत अच्छा काम किया है हमारे यंग हीरो जो हैं याशिका जी, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बस मेरे तरफ से दुआएं हैं। अपना एक होम प्रोडक्शन ही है ये, परिवार की फिल्म लगती है तो बस। नहीं, मैं तो एक प्रदीप शर्मा जी की मोहब्बत में हूँ, और मैं कोई ऐसा स्टार नहीं हूँ, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री से हूँ। ये हिंदी फिल्म का ये पूरा फंक्शन था और अच्छा है, अच्छा लगता है कहीं जाने में। अपने कलाकार ही हैं हम भी, और शक्ति कपूर साहब भी आए थे, अब्बास मस्तान साहब भी आए थे, और भी बहुत सारे लोग आए। अच्छा है, ग्रेट। उस बच्चे को दुआएं मिलनी चाहिए, बहुत यंग है, डायनेमिक है, हैंडसम है, और बहुत क्या बोलते हैं, टैलेंटेड उसको बोल सकता हूँ, बहुत टैलेंटेड है। देख रहा हूँ अच्छा लग रहा है, बहुत कम देख पा रहा हूँ अभी। अब खेसारी जी गए हैं तो थोड़ा बहुत देखने की इच्छा होती है, तो देख लेता हूँ कभी। देखिए, अब आते ही कोई TRP पाने के लिए बड़बड़ बड़बड़ बोलने नहीं लगेगा। खेसारी जी ने थोड़े, मुझे लगता है कि जहाँ से बुद्धिमत्ता उन्होंने अपनाई है, कि पहले वो समझ रहे हैं, समझते से वो खेल है, वो बिग बॉस ऐसा नहीं है कि वो खेल है, और खेलने के पहले खेल को समझना पड़ता है। वो खेसारी जी ने पहले बिग बॉस देखा नहीं था, बहुत कम देखते होंगे, और सडनली बिग बॉस में चले गए, तो पहले वो खेल को समझ रहे हैं और अब खेलने भी लगे हैं। वो मैं तो देखा भी, अब खेलने भी लगे हैं। जो किस्मत नहीं जिसको यहाँ बना करके भेजा है, भोजपुरी इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं आज के डेट में, भोजपुरी वासियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिग बॉस में गए हैं। और वैसे भी मैं हमेशा देखा हूँ कि बिग बॉस बिना भोजपुरी का तड़का लगे बड़ा बेस्वाद होता है, और इस बार तड़का लगाने के लिए सबसे बड़े इंटरटेनर जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के खेसारी जी, वो वहाँ गए हैं, और अभी उन्होंने पहले समझा है, जाना है, और अब खेलना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर इंटरटेन करेंगे। अच्छा, नॉमिनेट होना एक प्रोसेस है, तब उनको भी समझ में आती हैं, और उनके साथ पूरे यूपी बिहार और भोजपुरी दर्शक हैं जो उनको वोटिंग तो ज़रूर करेंगे, और वो टिकेंगे, अभी वो टिकेंगे, वो बहुत धीरज के साथ चलना, वो टिकेंगे। दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि फिलहाल अगर दर्शक तक हमारी बातें पहुँचे कि वो नॉमिनेटेड हैं, तो उनको भारी संख्या में वोटिंग करें, और बस उनको दुआ दें कि वो बिग बॉस में टिके रहें। टिप्स देना चाहूँगा कि जो वो हैं ओरिजिनल, वो उसको बाहर निकालें, अपनी ओरिजिनलिटी को बाहर निकालेंगे, वहाँ नकली बन करके नहीं चलेगा। बाकी लोग नकली खेल खेल रहे हैं, इनके अंदर जो है, जो मादा है, उसको बाहर निकालें, और वो है, चूँकि मैं जानता हूँ बहुत नज़दीक से उनको, और वो निकाल ही रहे हैं। अभी मैंने आज एक एपिसोड देखा था तो उसमें निकाल ही रहे थे, वो भिड़ गए थे शुक्ला से, तो अच्छा है, वो इस तरह से बहुत बहुत प्यार से निकल रहे हैं, और अच्छा निकल रहा है, और निकल जाएंगे वो। मेरी आने वाली फिल्म अभी है विजेता, जो अति प्रतीक्षित है, कल से फिल्म लग रही है मेरी, एक मेरी जंग, खेसारी जी उसमें हीरो हैं, और इस तरह से फिल्में हैं, कलाकार हैं, और बस सब जा रहा हूँ शूटिंग करने। दिनेश जी की फिल्म है रोमियो राजा ऐसा करके, तो बस है, सिनेमा है, करते जा रहे हैं। थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।